क्या आप जानते हैं मैकडोनल्ड्स ने एक बार बबल गम जायका वाला ब्रोकली बनाया। ये दिलचस्प हकीकत आपके जायका की कलियों को रेंगती होगी। हैरतअंगेज तौर पर बच्चों को सेहतमंद खाने की कोशिश चाइल्ड टेस्टर्स के साथ अच्छी नहीं हुई जो जायका से उलझे हुए थे। पहले संतरे नारंगी नहीं थे। जनूब मशरक एशिया की असल संतरे एक टेंग्रिन पोमिलो हाइब्रिड थे और वो असल में सब्ज थे। दरहकीकत वियतनाम और थाईलैंड जैसे गर्म इलाकों में संतरे अब भी पुख्तगी के दौरान सब्ज रहती है। क्या आप जानते हैं विंडी सिटी नाम का शिकागो के मौसम से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या ये बेतरतीब हकायक में से एक था जिसे आप पहले से जानते थे। शिकागो का उर्फी नाम 19वीं सदी के सहाफी ने बनाया था जो इस हकीकत का जिक्र कर रहे थे कि इसके बाशिंदे विंडबैग और गर्म हवा से भरे हुए थे। क्या आप जानते हैं ऑक्टोपस एक वक्त में 56,000 अंडे देती है। माँ 6 महीने अंडों की हिफाजत के लिए इतनी वक्फ करती है कि वो नहीं खाती। बच्चे जब पैदा होते हैं तो चावल के दाने के बराबर होते हैं। ब्लू व्हेल एक मुंह में 500,000 कैलोरीज खाती है। ये बेतरतीब हकायक जहन को उड़ाने वाले हैं। वो 4,57,000 कैलोरीज व्हेल से 240 गुना ज्यादा है जो व्हेल उनक्रेल को मुंह में डालने के लिए इस्तेमाल करती है। जेन की छोटी जेब में जेब वाली घड़ी रखी जाती है। क्या आपको इस हकीकत का पता था। असल जीन्स में सिर्फ 4 जेबें थी, एक छोटी मजीद 2 और सामने और सिर्फ 1 पीछे। क्या आप जानते हैं गाय के ऊपर वाले दांत नहीं होते। अगरचे उनकी मुंह के ऊपरी हिस्से में दाढ़ है जहां आप तवक्को करेंगे कि ऊपर इंसीजर गाय भेड़ और बकरियों की में टिश्यू पेपर की एक मोटी परत होती है जिसे डेंटल पैड कहते हैं। वो उसे घास निकालने के लिए अपनी नीचे वाले दांतों से इस्तेमाल करते हैं। क्या आप जानते हैं 3D प्रिंटिंग का शुक्रिया। नासा बुनियादी तौर पर खलाबाजों को टूल्स ईमेल कर सकता है। खलाई स्टेशन पर नया सामान लाने में महीनों या साल लगते थे लेकिन नई टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि टूल्स घंटों में तैयार हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं सहारा सहरा का सिर्फ 1/4 हिस्सा सैंडी है। इसका बेशतर हिस्सा बजरी से ढका हुआ है। हालांकि इसमें पहाड़ और नखलिस्तान भी है और ये दुनिया का सबसे बड़ा सहरा नहीं है बल्कि एंटार्क्टिका है। क्या आप जानते हैं केले उल्टा उगते हैं या तकनीकी तौर पर हम उनको उल्टा नीचे छेल देते हैं। ये बेतरतीब हकायक आपको मुख्तलिफ तरीके से हैरान करेंगे। कुदरती तौर पर वो अपने तनों से बाहर की तरफ बढ़ते हैं लेकिन इसका मतलब ये है कि उनके तह दरअसल आसमान का सामना करती है। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं फल सूरज की तरफ मुड़ जाते हैं। क्या आप जानते हैं चांद पर उस वक्त आतिशफशां मौजूद थे जब डायनासोर जिंदा थे। ज्यादातर आतिशफशां शायद 1 अरब साल पहले रुक गए थे लेकिन नासा के नताइज ने तजवीज किया है कि शायद 100 मिलियन साल पहले भी लावा का फाल वहां मौजूद था जब डायनासोर अब भी घूम रहे थे।